हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं जो आपको किसी प्लांट के बारे में नहीं बता रही हूँ, बट प्लांट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइज़र। उसके बारे में बता रही हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में जो है आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर इस तरीके से एक ऑर्गेनिक पर भी पूरा एक वीडियो डालूंगी। देखिए, आज मैं ये अगर मैं चारों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी, और इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये देखिए, ये जो है हमारा DAP है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम फार्मिंग में काफ़ी यूज़ करते हैं। ये SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये यूरिया है, और ये आपका NPK। देखिए, NPK और DAP के तो आप शायद यूरिया सभी ने सुना होगा, पर ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका भी काफ़ी यूज़ जो है फार्मिंग के अंदर होता है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल जो किया जाता है। जो इनका फर्टिलाइज़र का यूज़ किए जाने लगा था, मेन यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। बट हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हम ऑर्गेनिक पर ही ज़्यादा बेस जो अपनी वो करते हैं इसको, कि हम इस तरीके से ऑर्गेनिक को हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा। बट आज हम इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से जो ये फर्टिलाइज़र है कैसे काम करते हैं, और फर्टिलाइज़र का मेन काम यही होता है और जो हमारे प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उसको उपज को बढ़ाना हमारी को, कि हमारे फूल और फलों की वृद्धि हो। इसलिए हम फर्टिलाइज़र जो है ज़मीन या तो हम सॉइल के जरिए देते हैं या फिर स्प्रे के जरिए जो है अपने प्लांट्स को इस तरीके से देते हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आज जो है, हम सबसे पहले एक बार जो है DAP के बारे में बात करते हैं कि DAP क्या है। DAP जो है DAP डाई अमोनियम, यानी कि DAP के जो फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट है, और इसका मेन जो कारण काम जो है फंक्शन है वो है जड़ों को मजबूत करना। यानी कि जब आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो उसमें अगर आप इस DAP को देते हैं तो ये जो है आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो कंद वाली फसलें होती हैं, जैसे आलू है, प्याज है, आपकी जो आप कंद जितनी भी गाजर है, मूली है, उनमें इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। उसमें ये उसके लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। अगर मैं बात करूँ DAP में, तो इसमें जो है इसके अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 18% के लगभग जो होती है, 40% के लगभग जो है इसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है। यानी कि DAP में जो मेन जो चीज़ है वो फॉस्फोरस होता है, यानी कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर किसी प्लांट को फॉस्फोरस देने की ज़रूरत होती है, जड़ों को मजबूत करने के लिए मेन कंपोनेंट है, उसको DAP जो है दिया जाता है। देखिए, तो इस तरीके से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो है आपको मार्केट में आसानी से किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप में मिल जाता है, और बहुत कॉस्टली भी नहीं होता। ये 30 रुपीज़ KG के आसपास होता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, इसे अगर आप प्लांट को देते हैं तो इसकी मात्रा का स्पेशली आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि आपने इसे, देखिए ऑर्गेनिक को हम थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा भी हो जाती है तो उसका नुकसान नहीं होता है, बट जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो उसकी मात्रा, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक 10 से 12 इंच के गमले में ये काफ़ी सफिशियंट है। यानी कि आप गिन के 12 दाने या 15 दाने, जो 10 से 12 इंच का आपका गमला है, इतनी ही मात्रा में आपको देना। फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो है कम से कम दें, कम से कम मात्रा में आप किसको दें। अगर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्लांट की कंडीशन ख़राब हो जाती है या उसकी मरने की स्थिति में होता है, तो इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र जो दिए जाते हैं बहुत तेज़ी से, जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है तेज़ी से काम करते हैं, कि तेज़ी से प्लांट को रिलीफ मिलता है। ये जो फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र धीरे धीरे रिलीज़ का होता है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है तेज़ी से जो है प्लांट को मिल जाता है, यानी कि प्लांट एकदम तेज़ी से उसे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो जो भी हमारे फ्लावर प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मैं अमूमन जो फर्टिलाइज़र है इनका इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइज़र का करती हूँ मैं। इसलिए आप इसे अगर देना चाहें तो प्लांट की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इसे आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि इसे आप, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, आप 1.5 लीटर में एक चम्मच जो है पानी में घोल के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये भी। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो भी फर्टिलाइज़र आप दें, पानी के अंदर जो भी आपका प्लांट है, यानी कि जो सॉइल है, वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखी मिट्टी में बिल्कुल ना दे, वरना आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, हम दूसरा जो है हमारा फर्टिलाइज़र, उसको इसकी बात करते हैं अब हम, कि ये है NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें होती हैं, और प्लांट के लिए मेन कंपोनेंट्स, यानी कि आपके प्लांट को ये तीनों की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जिस भी तरीके से आप देते हैं। तो NPK का मेन काम यही है। इसमें
इसमें देखिए आपको तीन तरह के, जब भी आप कभी शॉप पे खरीदने जाएंगे तो तीन तरह के मिलेगा। तो वो कहते हैं कि आपको 19-19-19 चाहिए, या 18-18-18 चाहिए, या 12-32-16, इन तीन तरह के अनुपात में जो है ये मिल जाता है। और आजकल जो NPK मिलने लगा है वो थोड़ा सा जिंक कोटेड भी आता है, उसमें थोड़ी सी 0.5% के लगभग जो है जिंक की मात्रा भी होती है, यानी कि आपके प्लांट को NPK के साथ साथ जिंक भी मिल जाती है। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी जो है हमको NPK मिलता है। देखिए ये मेरा NPK है और ये भी आपको फर्टिलाइज़र की शॉप पे आसानी से मिल जाता है। और एक बैलेंस फर्टिलाइज़र अगर हम कहते हैं, मेरा जो फर्टिलाइज़र ये NPK 19-19-19 है, यानी कि इस तरीके का फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। का इस्तेमाल आप किसी भी पौधों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि जो भी प्लांट जो फूल से फल देने पर आ रहा है तब आप NPK का इस्तेमाल जो कर सकते हैं। और जैसे कुछ प्लांट की पत्तियां जो पीली होकर अगर झड़ने लग रही है तो इसका मतलब उसमें पोटेशियम की कमी हो गई है, तो आप जो है उस समय आप इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं और आपका प्लांट जो है अच्छी कंडीशन में वापस, यानी कि तेज़ी से जो है केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आपका प्लांट कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट है या आपका फ्लावर प्लांट है ख़राब हो रहा है तो आप इसे देंगे तो तेज़ी से जो है आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा, उसकी कमी पूर्ति बहुत जल्दी से हो जाती है। देखिए थर्ड फर्टिलाइज़र जो जिसके बारे में बात करें, यूरिया, सभी लोग इससे परिचित हैं। और ये देखिए इस तरीके से दानेदार फॉर्म में आता है, ये देखिए इस तरीके से होता है, ये भी दानेदार फॉर्म में होता है। और इसमें पूरी तरह से नाइट्रोजन होती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए प्लांट को दिया जाता है और सभी तरह के प्लांट को दिया जाएगा क्योंकि सभी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये सभी प्लांट में आप दे सकते हैं इसको। और देखिए इसके अंदर इसको देने से क्या होता है, प्लांट जो है हरा भरा रहता है, यानी कि अगर आपके कोई इस तरीके से ऑर्नामेंटल प्लांट लगा है उसमें आप दे सकते हैं क्योंकि इससे जो है पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन की वजह से लीफ में बहुत तेज़ी से फोटोसिंथेसिस जो है तेज़ी से, क्योंकि जब लीफ हरी भरी होंगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है और आपका प्लांट बहुत अच्छे से जो है ग्रोथ करता है, इसलिए यूरिया। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गमले में गार्डनिंग कर रहते हैं, तो यूरिया की बहुत कम मात्रा दी जाती है, यानी कि एक गमले में अगर मैं बात करूँ तो देन सफिशियंट है, ये मेरे हाथ में जो है ये काफ़ी है। यानी कि जब भी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरीके से कम मात्रा में दें। और इस एक चीज़ का भी ध्यान रखें, ये नहीं कि आपने अभी यूरिया दे दिया उसके बाद आपने NPK भी दे दिया, उसके बाद आपने जो है अपना SSP भी दे दिया और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी, थोड़ा सा बैलेंस करके चले कि आपने ये फर्टिलाइज़र दिया है। इसलिए गर्मियों के दिनों में यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, गर्म होती है। और अगर आपने इसकी मात्रा को ज़्यादा कर दिया तो होगा ये कि आपका प्लांट जल सकता है, आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी इसकी मात्रा का जो है हम इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये देखिए ये है नेक्स्ट जो हमारा है SSP, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी, डबल सुपर फॉस्फेट में, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में भी मिलता है, बट कॉमनली जो है ये हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में मिल जाता है। और इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ के जी के जो है आसपास है। मैंने अभी नर्सरी से ये जो है ख़रीदा था, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये जो है रॉक से बनता है, यानी कि चट्टान जो होती है, रॉक सॉल्ट एक होता है, ये पूरी तरह से अगर मैं अगर अपने पर्सनली बात करूं तो ये शायद पूरी तरह से मतलब केमिकल नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक भी है। पहले जब इसका इस्तेमाल किया जाता था, रॉक फॉस्फेट इसके अंदर है, यानी कि चट्टा, रॉक का मतलब चट्टान जो होती है उसको पीस के जो है इसको बनाया जाता है। बट आजकल क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो रॉक फॉस्फेट है उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है, उससे ये है थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाता है। पहले जब फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता था पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक ही था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रॉक फॉस्फेट यूज़ किया जाता था। और देखिए इसको जब यूज़ करते थे तो उसको, लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि उसको डालने के लिए 1 महीने पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था फार्मिंग के अंदर, ताकि वो चेन धीरे धीरे टूटती थी पानी में घुलने के बाद। अब जो है इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो जैसे ही आप इसे डालते हैं तो इसके अंदर जो है चेन आसानी से टूट जाती है और प्लांट को इजीली इसके सारी फर्टिलाइज़र जो है अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करूं तो इसमें जो है नाइट्रोजन 0% होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए अगर आप इसे यूरिया के साथ इस्तेमाल करते हैं तो DAP से भी ज़्यादा बेटर जो है ये रिजल्ट देता है। अगर SSP और यूरिया को आप मिक्स करके यूज़ करते हैं तो आपको DAP से भी बेहतरीन जो है इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। अगर बात करें जिस तरीके से इसमें फॉस्फेट यानी कि P है, तो फॉस्फोरस की मात्रा इसमें काफ़ी होती है इसके अंदर, और कैल्शियम भी इसके अंदर जो है पाया। सुपर फॉस्फेट है उसके अंदर 16% जो है फॉस्फोरस होता है
और 11% के अंदर 1% के लगभग उसमें सल्फर होता है, 20% के लगभग जो उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, और ये बेहतरीन जो है प्लांट्स को रिजल्ट देता है। और अगर मैं बात करूँ तो रॉक फॉस्फेट से ये जो बनाया जाता है इसी जड़ों का विकास करता है, यानी कि रूट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जो बीज से फल बनने की जो प्रोसेस होती है, जो बीज और फलों का जो विकास होता है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है, और जो हमारी प्लांट्स की जो फसल होती है, जो फ्रूटिंग होती है, वो जल्दी से अपने सही समय पर जो है पक जाती है। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको, मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत डिटेल में तो मैंने आपको नहीं बताया है। ये देखिए मेरा एक, आपको इसलिए नहीं था कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहन देना नहीं है, सिर्फ एक हमें, अगर हम फार्मिंग करते तो हमें सबकी जानकारी जो है होनी चाहिए, सभी प्लांट्स की, सभी फर्टिलाइज़र के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये देखिए जो भी मैंने, देखिए चारों हमारे जो हैं ये जो फर्टिलाइज़र है, मेरे एक छोटा सा उद्देश्य था आपको इनके बारे में जानकारी देना, और कि आप इनको, मैं अपने फ्लावर प्लांट्स में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इनको यूज़ करती हूँ। बाय चांस कभी मुझे अगर अदर ज़रूरत पड़ती है तो ही मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, मैं अपने ऑर्गेनिक खाने पीने की उसमें इस्तेमाल नहीं करती हूँ इनका। और आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना था कि बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब दिया जाता है, उसका क्या यूज़ होता है, DAP का, SSP का। एक छोटी सी मेरी कोशिश थी आप तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, और मैं ऑर्गेनिक पर भी एक जल्द ही वीडियो जो है अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।